मैं बनाने वाला हूँ अपना अलबुरा का स्पेशल काफरे खान बिरयानी। इसमें वो बिरयानी छोला रोगों की साइड किया और क्या हुआ वाटर रोज वाटर लेमन जूस सर का पानी इलायची जल्दी डालो सेटिंग में, गरम मसाला इलायची पाउडर मिर्ची स्लाइस पाइनएप्पल स्लाइस और इसमें डालेंगे मसाला ग्रेवी। थोड़ा मसाला रख चाहिए इसमें बिरयानी रेडी हो गया। अभी इसमें डालेंगे मटन चिकन और चिकन कोफ्ता मिक्स जाता है बिरयानी। लाओ चिकन लाओ मटन लाओ तो हो गया। चिकन डाल दो टमाटर डाल दो एक हाफ है एक बार डाल देते हैं इसी चक्कर ज्यादा से ज्यादा डालना पड़ा दो बिरयानी एक हाथ एक क्वार्टर दे ब्राउन प्याज फ्राई करने के बाद ये ऊपर से दो दो टक्कर मार लिया मसाला और इलायची डाल दिया हो गया अपना हाफ एक क्वार्टर दिया और से थोड़ा ब्राउन किया कर कुछ निकाल के कम कर दिए और चावल अपना दम रहता है फिर भी करना पड़ता है। वो पिकअप है पिकअप पिकअप है पूछो लाओ हाफ प्लेट क्वार्टर लाओ पिकअप हो गया जो व्हाइट वाला देख रहे ये आपका पोषण है लेटा रहे और ब्लैक वाला जो इसमें डालेंगे वो एक वाटर आप मिनिमम 5 जन खा सकते हैं वाटर 3 जन खा सकते हैं ये वाटर है ये हाफ है। इसको पड़ जाएगा काजू किशमिश बादाम ऑलिव रेड चेरी सब मिक्स होकर डाल पानी से कर देंगे इसमें जबरदस्त टेस्ट है बिरयानी का। ऑलिव पर अपना आलू रख में यही बिरयानी मिलता है देख लीजिए Thank you.
अलग डिवाइस कर जल दे रहा हूँ, तो साथ में मारा था। से थोड़ा चावल डाल लेंगे, भाई गार्निशिंग के लिए चला जाएगा, गार्निशिंग हो जाएगा तो पिकअप है। नेक्स्ट ऑर्डर है रॉ मटन रोगन जूस, और इसका सॉफ्ट का फ्लेवर है, सॉफ्ट का इसलिए मीठा पान आता है, सौंधा पान जबरदस्त टेस्ट आता है इसका। पतला ग्रेवी आएगा, इसका मटन भी डाल दिया, संतरा डालता हूँ देसी घी, थोड़ा सा चीनी, पतला है थोड़ा गाढ़ा कर दो, पकाते जितना पकाएंगे उतना भी टेस्ट आएगा, इतना पकाएंगे नहीं जो ग्रेवी गाढ़ा भी हो जाएगा, फिर वो जूस ग्रेवी हमेशा थोड़ा पतला जाता है, गाढ़ा कलर खैर हो गया थोड़ा सा कलर उसको कलर लेता है। तो टेस्ट कर लिया उसका, तो नमक और मिर्ची काम है, वो भी डाल के सेट कर दिया। जबरदस्त हो गया, ना गाढ़ा ना पतला, रोगन जूस का ही रोगन रखा था साइड में, उसका गार्निशिंग के तौर पर डाल दिया, हो गया मटन रोगन जूस। दाई चिल्ली भी नहीं है, तुम लोग दाई चिल्ली भी नहीं है, दाई चिल्ली भी नहीं है, ये उड़ीसा स्टाइल हरी चिली पड़ी रहा बनाना जा रहा हूँ मैं, एकदम स्पेशल है, एकदम फेमस दाल बनाई जा रही है अभी, हरी चिली पड़ी रहा जो है Thank you.
ये देखिए डाबर घानी में डालने जा रहा हूँ तो तरफ हम लोग। ये देखिए प्योर है एकदम ओरिजिनल। ये देखिए ये पड़ा आप लोग देख सकते हो क्या डाला है तो इसकी स्पाइसिंग लिए ये यूज किया जाएगा। ये जो है आप देख सकते हो अभी हमारा आलू खाए हो गए रेडी हो रहा है उधर तो सब चीज़ें बन गए एकदम तैयार है हमारा। देखिए देख सकते हो तो जो है इसको जो है अभी यहाँ ये आलू जो है और मज़े अलग है अभी आप लोग देखिए आलू बन के रेडी खड़े हो चुके हैं। हल्का जो सॉस है एकदम ब्राउन कलर देखिए कितना एकदम खूबसूरत खड़ा हो गया है किया जाएगा आप लोग देख सकते हो। देखिए आलू एकदम क्रिस्पी हो गया है। देखिए अब इसे सॉस करेंगे डालिए देखिए ये देखिए आलू भी वही जो है ये देखिए हमारा थोड़ा हल्का सा थोड़ा हल्का फ्लेवर मरेगा। देखिए आने चिली पड़े दो रेडी हो गया है। कितना बेटा दो परसेंट है बेटा ये देख सकते हो देख सकते हो आनी चली पड़ी रो ये ले सकते हो। मार्केट में आनी चली पड़ी रो देख सकते हो जरूरी है मजा नहीं आएगा दो मिल भूलेंगे और थोड़ा हल्का सा स्पाइसी चिली से और थोड़ा सा अलग यह है कलर कलर यूज करने लगे तो देख सकते हम लोग। अभी देखिए मैं क्रिस्पी डाल दिया हूँ ये फोटो क्रिस्पी सामने और इसके बाद जो है वो क्या देखिए आप वीडियो हो गया ये देखिए हाँ चालू करो आपको जो है हल्का गर्म करने के बाद जो है
थोड़ा गर्म करेंगे हम, उसके बाद जब डाले जाएंगे और उसके बाद आता ऑयल डाल, ऑयल डाल, ऑयल डाल, डेंजर होगा चिकन सॉस लेके। देखिए इसमें थोड़ा गार्लिक मिर्ची, ऑनियन का तड़का मारा, स्लाइस ऑनियन और टोमेटो कैप्सिकम छोटे टोस्ट कर रहा हूँ, ड्रैगन चिली सॉस, सन टमाटर टिक्का, थोड़ा सा मसाला दे दीजिए, टेस्ट आएगा खाता में डाल स्पाइस भी थोड़ा रेस्टोर डाल दूँ तो मसाला को पका देगा और थोड़ा सा चाहिए मसाला रेस्टोर। इसमें डाल रहा हूँ नमक, चिली पाउडर, चाट मसाला, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, रेडी हो गया। तो मेरा गैस पूरा हाई फ्लेम में चल रहा है, देखिए कितना तेज गैस चालू कर रहा हूँ, कितना रहा हूँ, तो लेवल भी डाल दिया हूँ। अभी जो चिकन फ्राई करके रखा था ये डाल दिया, उसी जगह में टिका होगा, इसी जगह में जाएगा इसको। अभी हो गया, साफ होगा और से थोड़ा सा धनिया डाल देता हूँ, हो गया। Thank you.
ट्रेनिंग से काम नहीं करेगा तुम्हे डाले जाते हैं, उसके बाद जो है सब
डाल दिए वाइट स्केलेन टेस्ट करिए। रेडी है हमारा पनीर फ्राई हो रहा है, उसको टोस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है आप समझ सकते हो किस एंगल से हम काम कर रहे हैं, सफाई की जरूरी है, क्लीनिंग जरूरी है, ना सब कुछ है, क्लीनिंग में जरूरी फोकस जरूरी है, जरूरी है काम चीज़ आपका। आप लोग देख सकते हैं काम कर रहे हैं, बावजूद करने बावजूद और इसको साफ सुथरी होती है। उसके बाद जो है हमारा ये अब्दुल रहमान स्पेशल है, और ये सब पढ़ने के बाद रेडी हो जाएंगे। यूज किया मैंने, आप देख सकते हो क्या क्या डाला, आप लोगों को मालूम तो होगा। अच्छा कमेंट पूरे का कंफर्म कर लेना, मेरा भी ऑर्डर चल रहा था, उधर जो कल से ऑर्डर मार रहा था उनका पूरा शुरू हो गया, तो मेरे पास भेज दिया भाई। मैं भी इधर मार रहा था, अरे चिकन टिक्का मसाला थोड़ा डाल और जो ऑर्डर है मेरे फिनिश होने का टाइम है, और लेबर जूस डालना था $25 रेडी होने वाला ऑलरेडी पैसे को मसला डाल के रखा था, गर्म मसला कम है चाट मसाला वाइट पेपर दालचीनी पाउडर थोड़ा सा कोई पैसे को सब मक्खन बना के रखता है, खाई कर नहीं बनाता हूँ करता हूँ, इसमें रेडी कर देता हूँ सब, क्योंकि अपना बेस कम चलता है, इसलिए अपना शाम से ऑर्डर मार रहा हूँ आपके 12 बज रहा है, कब से ऑर्डर मार रहा हूँ 7:30-8 बजे से, सेटिंग में बटर डालो, बटर
Ahora por el desafío de Marion. थोड़ा सा साइनिंग के लिए फोन डाल के देता हूँ। कभी साइनिंग आ गया, ऊपर से थोड़ा सा बटन कैप्सिकम चॉप करके दो, कैप्सिकम चॉप। एक कस्टमर बोला अपना एक्चुअली राजेंद्र सालों को भी गिरीज मिल जाता है और कैप्सिकम भी जाता है, उनको चाहिए था। वेजिटेबल पूरा शॉपिंग करके शॉपिंग आ गया, फिर कैप्सिकम चॉप कर ले गया हूँ सेम करूँगा। सब्जी को भी कोशिश कर लिया, थोड़ा रेसिपी मार दिया, छोला बना जाएगा, मसाला गिर गए, तेल गिर गए, टमाटर गिर गए। नमक मिर्ची चाट मसाला व्हाइट पेपर जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब्जी गरम मसाला सब कुछ सब मसाला सब अलग अलग बना के रख देता हूँ। अलग अलग टेस्ट चाहिए करने वाला पहले गिरवी को निकाल लेना, कस्टमर का दिखना नहीं चाहिए।